बहुत सारे जानवर की मौत हो रही है। क्यों? क्योंकि डीडीटी एक बहुत ही हार्मफुल पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, हम लोगों ने पहले स्लॉट में इसके बारे में देखा था। ठीक है, तो ए हो गया डीडीटी के बारे में कुछ बातें। ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके हो क्या है डीडीटी, क्यों हम लोगों को इसको पढ़ना जरूरी था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो क्या है, वो है चैट जीपीटी। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखो फ्रेंड्स, चैट जीपीटी जो है वो करंटली बहुत न्यूज पे है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं चैट जीपीटी एक्चुअली क्या है। देखो, चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने इसको तैयार किया है। ठीक है, आप लोग तो अगर जानते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है फ्रेंड्स, एक रोबोट होती है, एक मशीन होती है, तो वो बहुत ही डेवलप मशीन होती है, तो इसके लिए इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में एक्चुअली क्या है। तो क्या है फ्रेंड्स चैट जीपीटी, इट इज डेवलप्ड बाय दी ओपन एआई कंपनी। कौन सी कंपनी? दी ओपन एआई कंपनी। इट इज डेवलप्ड ए न्यू चैट बोर्ड कॉल्ड चैट जीपीटी। ये जो कंपनी है एक न्यू तरह की एक चैट बोर्ड तैयार किया है जिसका नाम है चैट जीपीटी। बट दिस चैट बोर्ड इज बेटर देन एनी काइंड ऑफ चैट बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, चैट जीपीटी इज मच मोर देन ए चैट बोर्ड एंड इज फाइन ट्यून टू प्रोवाइड कॉन्वर्सेशनल रिस्पॉन्स। क्या है फ्रेंड्स, चैट जीपीटी और भी ज्यादा डेवलप है, किसी और चीज यानी चैट बोर्ड से भी ज्यादा डेवलप है, और ए है और ये प्रोवाइड करता है एक कॉन्वर्सेशनल रिस्पॉन्स को। तो क्या है फ्रेंड्स, चैट जीपीटी इज मच मोर देन ए चैट बोर्ड एंड इज फाइन ट्यून टू प्रोवाइड कॉन्वर्सेशनल रिस्पॉन्स। चैट जीपीटी इज ए कॉन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आंसर क्वेरी लाइक ए ह्यूमन। तो क्या है, चैटबॉट एक कॉन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी एक ऐसा रोबोट जो बात कर सकता है, कॉन्वर्सेशन कर सकता है। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन का वो आंसर भी दे सकता है। तो इसके लिए ही यहाँ पर बोला है चैट जीपीटी इज ए कॉन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आंसर क्वेरीज लाइक ए ह्यूमन। ठीक है, अब क्या है, चैट जीपीटी इज बीइंग सीन एज ए रिप्लेसमेंट फॉर दी बेसिक इमेज पार्टी प्लानिंग लिस्ट सीवी सॉल्व मैथ क्वेश्चन एटसेट्रा। क्या है, चैट जीपीटी से हम लोग क्या देखते हैं कि चैट जीपीटी बहुत तरह के काम एक साथ कर सकता है। कैसा? जैसे कि बेसिक इमेज होगी, किसी को ईमेल सेंड करना, पार्टी प्लानिंग करना, सीवी लिखना, उसके साथ साथ मैथ की जो प्रॉब्लम होती है इसको सॉल्व करना, इस तरह की बहुत से काम चैट जीपीटी कर सकता है। ठीक है, देखो एक चीज तो है, यानी चैट जीपीटी का भी इनोवेशन हो गया है, तो इससे क्या होगा, और भी साइंस और भी ज्यादा डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब तैयार होगा, तो उससे हम लोगों की कंट्री का भी बहुत डेवलपमेंट होगी, बहुत सारे नेशंस को और भी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप लोग सोचो, किसी भी चीज का एक पॉजिटिव पीक होता है और एक नेगेटिव। अगर आप लोग सोचिए कि एक मशीन अगर इस तरह की सारे काम कर देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग इंसान अब क्या करेंगे, एक मशीन अगर सब कुछ कर देगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज बीइंग सीन एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द बेसिक इमेज पार्टी प्लानिंग लिस्ट सीवी सॉल्व मैथ क्वेश्चन एटसेट्रा। यानी एक मशीन भी सब कुछ कर रहा है, वो पार्टी प्लानिंग भी कर रहा है, वो ईमेल भेज रहा है, वो सीरीज लिख रहा है, सॉल्व मैथ क्वेश्चन, बहुत सारे काम कर रहा है। अगर एक ही मशीन इस तरह की काम अकेला ही कर देगा तो अगर सोचिए, अगर इस तरह की काम करने में कितना लोगों की जरूरत होती है, कितने लोग काम करते हैं इस तरह की काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक मशीन आ रहा है और वो सब काम अकेला ही कर रहा है, तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे और भी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी। कभी आप लोग सोचे हो इसके बारे में,
डोंट इट। मैं नहीं बोल रही हूँ कि साइंस की डेवलपमेंट होना जरूरी नहीं है, ऑब्वियसली है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से सोचोगे तो आप लोग देखोगे कि जैसा पॉजिटिव हो रहा है वैसा ही नेगेटिव कुछ चीजें हो रहा है ना। लेकिन उसके बाद भी मैं बोलूंगी फ्रेंड्स, किसी भी मशीन कभी भी इंसान की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। अगर आप लोग सोचिए कि ये तो मशीन है, मशीन सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन अगर मशीन खराब हो गई तो मशीन में जो जो फिट कर देगा साइंटिस्ट लोग, वो तो वो सब काम ही करेगा। लेकिन एक इंसान ही होता है, इंसान अपनी एक ह्यूमन भी अपनी ब्रेन की हेल्प से सब कुछ करता है। तो कभी भी कोई भी मशीन किसी इंसान की जगह नहीं ले सकता है, ये मेरा मानना है। अगर आप लोग रोबोट मूवी देखे हो तो आप लोग वहां पर देखोगे कि रोबोट को जब रोबोट को किस तरीके से लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर रोबोट की भी अगर रोबोट में ज्यादा शक्ति आ जाए तो तब वो कितना खतरनाक हो सकता है, हम लोग रोबोट मूवी में देखेंगे। आप में से जो लोग नहीं देखे हो आप लोग फिल्म जाके उस फिल्म को देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, हो गया सब बात की बातें। तो चैट जीपीटी क्या है, हम लोगों ने देख लिया है। चैट जीपीटी इज बीइंग सीन एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द बेसिक ईमेल्स, पार्टी प्लानिंग लिस्ट, सीवीज, सॉल्व मैथ क्वेश्चन एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जीपीटी लैंग्वेज मॉडल। इसमें जो लैंग्वेज मॉडल है वो क्या है, वो है जीपीटी लैंग्वेज मॉडल। अब जीपीटी लैंग्वेज मॉडल एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, वो है जनरेटिव प्री ट्रेनिंग लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। क्या है, जनरेटिव प्री ट्रेनिंग लैंग्वेज मॉडल। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में और कुछ बातें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चैट जीपीटी के बारे में और भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। क्या है फ्रेंड्स, चैट जीपीटी इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ जीपीटी एपीआई GPT-3 एंड इज एडिशनली ट्रेन्ड ऑन कॉन्वर्सेशनल ट्रांसक्रिप्शन। देखो फ्रेंड्स, इतना आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ ताकि आप लोग कुछ एक्स्ट्रा जान लो। अगर क्वेश्चन ऐसी तरह को बहुत ही मैं क्या बोलूं, बहुत ही घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन आ जाए तभी भी आप लोग कर पाओगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में सब कुछ बता रही हूँ। क्या है फ्रेंड्स, चैट जीपीटी इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ जीपीटी एपीआई। उसका क्या क्या नेम है, जीपीटी एपीआई GPT-3 एंड इज एडिशनली ट्रेंड ऑन कॉन्वर्सेशनल ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ये जो ओपन एआई जो कंपनी है जिसने इस चैट जीपीटी को बनाया है उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है फ्रेंड्स, व्हाट इज ओपन एआई। ओपन एआई इज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कंपनी, हम लोग तो सब जानते हैं, दैट फोकसेस ऑन डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इन अ रेस्पॉन्सिबल एंड सेफ वे, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके हो। चलिए देखते हैं अब ये कौन सी लोग इसको बनाए। तो इट वॉज फाउंडेड इन 2015 बाय ए ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड रिसर्चर। कौन है, देखो फ्रेंड्स, एक है इलॉन मस्क, सेकेंड है सैम अल्टमैन एंड थर्ड है गर्ट ब्रोकमैन। आई होप फ्रेंड्स आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो। अगर आप लोगों को देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बोल रही हूँ आप लोग देख लो। क्या है, इलॉन मस्क, सैम अल्टमैन एंड ग्रेट ब्रोकमैन, ठीक है। तो ये हो गया चैट जीपीटी के बारे में। चलिए अब हम लोग दूसरी न्यूज को देखते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। हमारे नेक्स्ट न्यूज क्या है, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। क्या है, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। तो चलिए जरा देखते हैं ये एक्चुअली क्या है। देखो, इसरो हैज साइन एंड मूव विद सोशल अल्फा। तो इसरो ने साइन किया है एक मूव किसके साथ, सोशल अल्फा के साथ। सोशल अल्फा क्या है, इट इज ए मल्टी स्टेज इनोवेशन क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म टू लॉन्च स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। क्या है फ्रेंड्स, सोशल अल्फा ए
मल्टी स्टेज इनोवेशन क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च कर रहा है क्या स्पेस से इनोवेशन नेटवर्क। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं स्पेस से इनोवेशन नेटवर्क एक्चुअली क्या है। आई होप आप लोग सब क्लियरली देख पा रहे हो। एक सेकेंड देखिए, देखो अब ये जो स्पेस से इनोवेशन नेटवर्क है ये एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है SPIN। SPIN इज इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म किसके लिए, फॉर इनोवेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट फॉर दी बर्जनिंग स्पेस एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम। क्या है फ्रेंड्स, इट इज फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट फॉर बर्जनिंग स्पेस एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम। ठीक है, अब क्या है, दिस प्लेटफॉर्म कुड क्रिएट ए लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर वेरियस स्टेक होल्डर टू कोलैबोरेट एंड कंट्रीब्यूट टू स्पेस इकोसिस्टम। तो क्या है, एक प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स जिसके माध्यम से और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर आ सकते हैं किसके लिए, टू कोलैबोरेट एंड कंट्रीब्यूट टू स्पेस इकोसिस्टम। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे हमारे जो स्पेस टेक्नोलॉजी है तो वो और भी ज्यादा डेवलप होगी। इसके लिए इसरो ने इसके साथ ये जो सोशल अल्फा के साथ एक मूव साइन किया है जिससे कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म को बना सके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में और भी थोड़ा कुछ जान लेते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग SPIN की यानी स्पेस से इनोवेशन नेटवर्क की कुछ कुछ फोकसिंग एरिया को हम लोग देख लेते हैं, यानी ये किस तरीके से काम करेगा, किन किन जगह पर ये बेसिकली काम करेगा। देखो ये क्या है, एट फर्स्ट जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज एंड डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन। ठीक है, सेकेंड है एनेबलिंग टेक्नोलॉजी फॉर स्पेस एंड मोबिलिटी एंड थर्ड है एरोस्पेस मटेरियल्स एंड सेंसर्स एक्सेट्रा। तो ये सब जगह पर इस जगह पर SPIN ज्यादातर ध्यान देगा। तो यही कुछ एरिया है फोकसिंग एरिया। ठीक है, चलो अब हम लोग इसकी चैलेंजेस को देख लेते हैं। देखो SPIN has launched its first innovation challenges इसके लिए for developing solution in areas of maritime, land transportation, mapping, surveying, etc. तो ये जगह पर कुछ कुछ जगह चैलेंजेस है, लेकिन इस तरह के काम को SPIN करने के लिए ही तैयार किया गया है SPIN को। ठीक है, तो कौन सी जगह होगी, फॉर डेवलपिंग सोल्यूशन इन एरिया फॉर मेरीटाइम एरिया, लैंड ट्रांसपोर्टेशन, मैपिंग, सर्वेइंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया स्पेस से इनोवेशन नेटवर्क के बारे में कुछ बातें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज मैं चलती हूँ फ्रेंड्स, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ कल मैं एब्सेंट हो गई थी लेकिन कुछ बात नहीं है, तो आज मैं चलती हूँ फ्रेंड्स, आज की लेक्चर में यही पर ही खत्म करती हूँ। कल फिर हम लोग कुछ नया टॉपिक को लेकर तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे रहो, खुश रहो, अच्छे से पढ़े करो। और आप में से जो लोग मेरे और भी वीडियो को देखने जाते हो तो आप लोग मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक एंड शेयर कर सकते हो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए हर रोज वीडियो लेकर आने के लिए। ठीक है, आज मैं चलती हूँ फ्रेंड्स।